बुजुर्ग किसान नेता द्वारा बीजेपी विधायक के थप्पड़ जड़ने वाला कांड पर उन्नाव में बीजेपी विधायक पंकज गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई दी है। बीजेपी से सदर विधायक पंकज गुप्ता को मंच पर हरे रंग की टोपी पहने एक बुजुर्ग के द्वारा थप्पड़ मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था। वीडियो वायरल होने के बाद हर तरफ राजनीतिक बहस छिड़ गई थी। कोई मवेशियों के द्वारा फसल का नुकसान होने से नाराज बुजुर्ग के द्वारा थप्पड़ मारे जाने की बात कह रहा था, तो कोई इसे विधायक के कामकाज की नाराजगी से जोड़कर सोशल मीडिया पर वायरल कर रहा था। उन्नाव जनपद में सदर से बीजेपी विधायक पंकज गुप्ता को थप्पड़ मारने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज वायरल होने के बाद हर तरफ अफरा तफरी मच गई। वायरल वीडियो दो दिन पहले सदर विधानसभा क्षेत्र के एरा भदियार गांव में गुलाब सिंह लोधी की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम के दौरान बताया गया है। वायरल वीडियो की इस पुष्टि सदर विधायक पंकज गुप्ता ने अपने कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। कार्यक्रम में जिस समय घटना हुई उस समय मंच पर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज के अलावा भाजपा के और भी कई अन्य नेता मौजूद थे। वायरल वीडियो में विधायक को उस समय थप्पड़ जड़ा गया जब विधायक उस किसान के पैर छूने के लिए आगे बढ़े थे। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि विधायक को थप्पड़ मारने के बाद भी विधायक उस बुजुर्ग को किसी भी तरह का वाद विवाद न करने की बात अपने समर्थकों से कह रहे हैं। समर्थकों व विधायक की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने बुजुर्ग को पकड़कर मंच से उतारा था। आज देर शाम वीडियो वायरल होने के बाद विधायक को थप्पड़ मारने का वीडियो सुर्खियों में छाया रहा। पंकज गुप्ता ने किसान को अपने पास बुलाया और अपने कैंप कार्यालय में आनन फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले में सफाई दी है। सदर विधायक ने कहा कि थप्पड़ मारने वाले बुजुर्ग उनके चाचा के समान हैं, पिता तुल्य हैं। विधायक ने कहा कि गलत तरीके से वीडियो वायरल किया जा रहा है, विरोधियों के पास कोई मुद्दा नहीं है। सदर विधानसभा में विरोधियों को कोई प्रत्याशी भी ढूंढे नहीं मिल रहा है, इसलिए इस तरह की साजिश रची जा रही है। थप्पड़ मारने वाले हरे रंग की टोपी पहने बुजुर्ग छत्रपाल यादव, जो कि खुद को पुराना भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता बताते हैं, विधायक को थप्पड़ मारने पर पूछा गया तो उन्होंने जो जवाब दिया वो आपको जरूर सुनना चाहिए। ये मेरी दाहिनी ओर आप सब लोग देख रहे होंगे, जिसके बारे में बताया जा रहा है, छत्रपाल चाचा हमारे दाहिनी ओर बैठे हुए हैं। ये हमारे पिता तुल्य हैं, पारिवारिक है और हमेशा से हमसे मिलते जुलते रहे, हम लोग साथ साथ काम भी किए राजनीति में। उस दिन कार्यक्रम मेरा बरियार में था, चाचा हमसे पहले वहाँ पर थे और नाच गा रहे थे, जैसा कि गाना बज रहा हो पार्टी के कार्यक्रम में, पार्टी के गाने में। हम लोग वहाँ बाद में पहुँचे, उसके बाद चाचा वहाँ पर मंच पे पहुँचे, हमने इनका आशीर्वाद लिया, पैर छुए और जैसा टीप नहीं मारा जाता बच्चों को उस प्रकार से, हमेशा ये मिलते हमको इसी प्रकार से करते, तो इसने और प्रेम के माध्यम से उन्होंने हमारे वो प्रेम किया। और लोगों ने, क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है राजनीति करने का, और विशेष करके हमारी उन्नाव विधानसभा में विपक्ष बुरी तरीके से हताश है, पराजित है, उनके पास प्रत्याशी नहीं है, इसलिए इस घटना को इस दृष्टि से दिखाया कि इन्होंने हमारे चांटा मारा। ऐसा कुछ नहीं है, ये परिवार के हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं और साथ में बैठे हुए हमारे बगल में, हमेशा हमारे साथ रहे। उसके बाद मीटिंग के बाद का वीडियो एडिट कर दिया गया, उस घटना के बाद ये हमारे बगल में बैठे रहे, उसकी फोटो मैं आपको दे दूंगा, वीडियो दे दूंगा, पूरा भाषण सुनते रहे साथ में, हम लोग बैठ के पूरा कार्यक्रम किए। तो इस तरीके का दुष्प्रचार करके पार्टी को, हमको और आदरणीय मोदी और योगी जी की जो काम कर रहे हैं उससे निराश लोग इस समय दुखी होकर इस प्रकार का नगल बयान दे रहे हैं। ये दो दिन पहले की कार्यक्रम हुआ था एरा बदिया चौराहे पे, गुलाब सिंह लोधी जी की प्रतिमा का अनावरण था, इसके साथ साथ आदरणीय श्रद्धेय कल्याण सिंह जी की जयंती का कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में आदरणीय सांसद साक्षी महाराज जी के साथ हम लोग छत्रपाल आदरणी कुछ रहता हम क्या मार रहा था, हम तो ऐसे बुआ कह दी था, ऐसे बुआ काहे मुड़ी ले चाह रहे हो, ऐसे को हम मार रहे हैं पहले लड़का, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं करो, हमारे उनकी करो दुश्मनी है कि हम अपने लड़का के हम मारे मारो बापा लड़का को,
हमारा लड़का है, हमारे क्या हमारा लड़का क्या है, वो हमारे कप्तान सिंह नाम है मेरे लड़का। दादा जब से ये वीडियो वायरल हुआ है, जो विपक्ष है वो लगातार तरह तरह की बातें कर रहा, कमेंट्स कर रहा है, इस पर क्या समझ देना चाहिए? अब एक हम जानते हैं विधायक, विधायक के दबाव में तो यहाँ नहीं बैठे, प्रेम में बैठे, दबाव बैठे, हम सारे कहीं के दबाव में, हम तो दबे नहीं, अकेले यार अकेले चलता हूँ, प्रेम में बैठे, प्रेम में बैठे विधायक के साथ। तो आपकी नहीं रही जो विधायक को मारा था आपने? आइए हम हमारी को बताओ, हम तो छोड़ देते, हम बैठे रहे, अदावत हो तो हमारे मारो गोली, जिस तरीके से दादा, जिस तरीके से छतरपाल जी वो वीडियो वायरल हो रहा है, वीडियो में जिस तरीके से उसमें देखा जा रहा है कि आपने जैसे कि उनको टीप किया विधायक को, सदर विधायक को, तो वो कहीं ना कहीं गलत संदेश दे रहा है। आप इस तरह कह रहे हैं कि प्रेम में मारा, लेकिन संदेश तो गलत जा रहा ना कि आपने मारा उनको। हम कहा मारा, मारा का हम तो ऐसे आपका बुआ काहे बोल जा रहा बेटा, यही क्या होगा ऐसे आपका काहे बुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम 24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।